हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम हो चुका है नाजिन शाह के ब्लॉग में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, अभी बस हो चुका है नेक्स्ट डे, आज है थर्सडे, जुमेरात। तो अभी आप सोच रहे हो कि ये बुरके में आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही, तो मैं अभी आज मेरा ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं गई थी राफिद को स्कूल छोड़ने। अभी राफिद को स्कूल छोड़ी हूँ, अभी आई हूँ घर पर। तो आज गाइस मुझे ना कुछ खाना बनाना नहीं था क्योंकि कल जो मैंने दाल गोश बनाई थी अभी भी है वो थोड़ा, तो फेंक तो नहीं सकते, बासी हुआ तो क्या, लेकिन है तो अनाज ही, उसको फेंक नहीं सकते। तो अभी हम लोग तीनों जन खा लेंगे दोपहर में, दोपहर में फिनिश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं शाम में कुछ बना लूँगी, शाम में ऐसा चिकन वगैरह कुछ बना लूँगी, चिकन ग्रेवी वगैरह और रोटी बना लूँगी। तो देखते हैं अभी इसके डैडी क्या लाएंगे, पता नहीं। लेकिन अभी दाल गोश है घर पर, ये चावल चढ़ाना है और थोड़े से बर्तन है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने जो रात के बर्तन थे वो रात में ही वॉश कर ली थी, तो थोड़े से ही बर्तन है बस, और झाड़ू मारना है। बाकी मेरा पूरा काम ए टू जेड हो चुका है, कुछ इतना काम है नहीं क्योंकि खाना नहीं बनाना है तो काम भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं उतार लेती हूँ अपना बुरखा, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखो मैं बुरखे में थी और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा न्यू पर्स दिखाती हूँ आपको। ये बुरखे पे ना एकदम मैच हो रहा है, लाइट में जाते लाइट में, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बाहर राइट बैठा है। ये देखो, ये है मेरा न्यू पर्स। तो ये जो मेरा बुरखा है ना उस पर भी थोड़ा थोड़ा मैच करके, मुझे पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही ले ली, लेकिन ये देखिए अच्छा है ना, मुझे बहुत पसंद आया है। ये भी सैटिन का है और बहुत ही बड़ा है। और एक तो चीज़ ये है कि इसमें मेरा फ़ोन आ रहा है, नहीं तो वो दूसरे वाले पर्स में फ़ोन नहीं आता, फिर बाज़ार भी जाएंगे तो फ़ोन पकड़ो, थैली पकड़ो, पर्स पकड़ो, ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी ये इसमें मेरा फ़ोन आराम से आ रहा है इसके अंदर। तो चलो फिर गाइस, फिर बुरखा निकालती हूँ, चावल चढ़ाती, फिर मिलती है आपसे बाद में, बाय बाय। तो गाइस अभी हो चुका था शाम का वक्त, मैं राफिद को स्कूल से लेकर आ गई थी। आज मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, लेकिन कोई नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही थी, लहसुन छील रही हूँ, जितनी भी लहसुन अभी रखी हुई ना मेरी सब छील रही थी। अभी मैंने अदरक रखी हूँ तो सब लहसुन ही छिलते बैठी अभी। उनका सूखा जैसा बोल सकते हो चिकन मसाला, तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ अक्खे थोड़े बहुत गरम मसाले डाली थी, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे प्याज डाली पकने के लिए। तो अब प्याज तो थोड़ी बहुत पक गई है और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन भी ली हूँ। आज मैं टमाटर डालूँगी, दही नहीं डालूँगी, टमाटर से ग्रेवी करूँगी। बाकी के वही अपने सूखे मसाले हो गए, हल्दी, धनिया, जीरा, नमक और क्या बोलते हैं गरम मसाला, वही सब में डालने वाली मालवणी मसाला। इसलिए मैंने ये रेसिपी पहले भी दे चुकी हूँ गाइस, इसी वजह से मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दे रही थी। और यहाँ पे पानी भी आ रहा है तो पानी भी मैं भर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बर्तन वर्तन भी थे वो भी सब वॉश कर ली हूँ। यहाँ पे मेरा सब कुछ हो चुका है, खाली अभी लादी भी थी, पोछना है वो मैं पोछ लूँगी, है कि नहीं। तो पहला हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी चिकन मसाला, क्योंकि आज मैंने सुबह में ना गाइस चावल अभी भी मेरा रखा हुआ है, मैंने चावल और दाल गोश ख़त्म हो चुका है। दाल गोश मैंने कल बनाई थी तो वही आज बच गया, तो खा ले के लिए फेंकने का गाय के लिए। एक तो इतनी मेहनत से मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं रिक्शा में, ये बारिश में, ठंडी में, धूप में, तो गाय के लिए फेंकने का, वो सब चीज़ों को, खाने की चीज़ों को खाने का, फेंकने का नहीं। तो गाइस देखिए, मैंने इसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर भी डाली, और जो हमारे गाँव का मसाला है मैंने वो भी डाली, और साथ ही में इसमें टमाटर, कोथमीर, वो सब मैंने डाली हूँ बारी बारी। और अभी इसको ऐसे थोड़ा दम पे, मतलब थोड़ा ढक्कन ढक कर रखते हैं थोड़े टाइम में, फिर देखते हैं कैसा क्या है। नमक वगैरह सब डाली, और अगर इतनी गर्मी हो रही ना, गर्मी की वजह से मुझे बहुत ही ज़ोरों शोरों की चक्कर आ रही, तो यहाँ पर मैं अपना इलेक्ट्रिक पाउडर जो होता है ना वो उसके डैडी ने लेकर आए थे, वही मैं पीती हूँ अभी। तो गाइस कल रात पे हम लोग गए थे राउंड मारने के लिए, इसके डैडी आने के पहले बच्चों ने ज़िद किए तो उन्होंने हम लोगों को हीरानंदानी लेके गए थे, गैलेरिया, पवई और जैसा कि वो एवलोन वगैरह, हम लोग वहाँ गए थे। तो बस इसी रिक्शा में से एक राउंड मार कर आए, उसके बाद से पूरी जगह से घूम के आके हम लोग गैलेरिया पर आके थोड़ा टाइम बैठ गए थे, अच्छा लग रहा था गाइस यहाँ पर बैठने, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं बैठी थी गैलेरिया के, हम लोग चारों जन बैठे, थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करे, तो यहाँ से एक हायाबूसा जा रही थी, तो राफिद ने चिल्लाने लगा, मम्मी हायाबूसा जा रही है तुम उसको भी वीडियो में लो। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको भी। तो गाइज़ मैंने रात में बनाई थी जो चिकन का सूखा और रोटी, हम लोगों ने खाए थे रात में, हम लोग बहुत लेट आए थे हीरानंदानी से क्योंकि हम लोग वहाँ थोड़ा बैठ गए थे थोड़े टाइम तक। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वहाँ पे फ़ोटो वीटो शूट किए, बहुत लेट हो गया था घर पे आने, तो इसलिए मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाई। चिकन का सूखा था और रोटी थी, वही हम लोगों ने खाए थे। और अभी मैं अस्सलाम वालेकुम गाइज, आज अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू चल ही रहा है जो मैंने कल से स्टार्ट करी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है,
बारिश बंद हो गई तो गर्मी शुरू हो गई, आज है जुम्मा तो मुझे फटाफट मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 11 भी नहीं बजे, 11 बजने को 10 मिनट बाकी है, तो मैं जल्दी जल्दी मैं सोची खाना बना लूँ तो आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइज मैं आज बना रही हूँ चिकन का सालन। ये देखिए यहाँ पर मैंने ना प्याज और टमाटे को सॉफ्ट करके ले ली हूँ तेल में। अभी मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी और यहाँ पे ना सब थोड़े से गरम मसाले डाली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा भुनने रखी हूँ तो कच्चापन निकल जाएगा। तो अभी मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही थी, इस वजह से आज इसको कंटिन्यू करेंगे। फातिमा, तेरा नाम क्या है? फातिमा। कहाँ रहती है तू? बादू में। बादू में? हमारी फातिमा को ना कलमे भी आते। फातिमा कलमा बोल। माशाल्लाह। वेरी गुड। अभी फातिमा बोल रही है फातिमा बड़ी होएगी ना, तो अभी उसकी मम्मी बाजार गई है तो मेरे पास छोड़ के गई है ना, तो फातिमा बड़ी होएगी तो फातिमा अपनी मम्मी को सब सामान लेके आके देगी, है ना फातिमा? क्या ला के देगी मम्मी को? जोर से बोल, जोर से बोल ना, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोल। सब्जी लाएगी और खाना भी ना बनाएंगी कि नहीं मम्मी के साथ? बनाएंगी ना, खाना भी बनाएंगी फातिमा। फातिमा अभी कौन सी क्लास में है तू? हाँ जूनियर में है तू? अरे वाह। टीचर का नाम है, टीचर का नाम है क्या है? आज ही बताएगी ना, जल्दी बोल नहीं तो अपनी ट्रेन छूट जाएगी। भूल गई फातिमा टीचर का नाम, टीचर को ही भूल गया। बच्चे लोग टीचर को याद नहीं रखते बेटा, स्कूल तक ही याद रखते फिर भूल जाते। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा चिकन का सालन बन चुका है। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाई हूँ और अभी बज रहे। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर दिए जल्दी जल्दी से। तो चलिए खुदा हाफिज़, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो चलिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।